अंदर एक तय थी जब पुलिस कर्मियों ने इनको खाली कराने की बात कही कि कोरोना वायरस फैल रहा है, आप लोग इसको खाली कर दीजिए, लेकिन ये मनमड़ महिला जो कहा जाए तलवार लेकर पुलिस कर्मियों के सामने खड़ी हो गई। जहाँ पे मौके पर पुलिस फोर्स थी और वहीं पे एसडीएम मौके पर मौजूद थे। इन्होंने लाख मान मनोबल किया लेकिन फिर भी ये महिला नहीं मानी। न मानने के बाद इन्होंने बार बार मान मनोबल करते रहे लेकिन ये महिला पुलिस कर्मी महिला जो है हट पर अड़ी रही। उसके बाद पुलिस ने हल्का लाठी प्रयोग किया, लोगों को इकट्ठा करके महिला वहां पर कर क्या रही थी आखिरकार? तलवार निकाल कर यहां पर देखिए हम देख रहे हैं वो अपने मूवमेंट्स कर रही है पुलिस के सामने, पुलिस वहां पर उनको रोकने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ कर रही थी महिला? जी मैं आपको साफ तौर से बताना चाहूंगा कि जो महिला है ये अपने आप को सजीव माता जी बताती है, अपने आप को माता का एक रूप बताती है और ये जो है लगातार इस तरह से लोगों को ठगने का काम करती है, अंदर भूत बेताल तरह की इस तरह के काम करती है, अंदर लोगों को जो है इकट्ठा करती है और लोगों को गुमराह करती है। ये कई वर्षों से इसका कारोबार चल रहा है लेकिन पुलिसकर्मी कई बार इस मौके पर जा चुके हैं। इसके पूर्व भी पुलिसकर्मियों ने इनको खाली कराने की बात कही लेकिन आज तक पुलिसकर्मी खाली नहीं करा पाई। लेकिन जब कोरोना का कहर पूरे वर्ल्ड में पूरे भारतवर्ष में इस तरह से चल रहा था तो ये कहा जा सकता है कि जब ये महिला को पुलिसकर्मी और एसडीएम खाली कराने गए तो महिला कर्मी जो है तलवार लेकर सैकड़ों लोग सामने बाहर निकलती है और खाली नहीं करती है। पुलिस लगातार मान मनोबल करती है लेकिन उसके बाद भी ये महिला नहीं मानती है। उसके बाद पुलिस जो है अपनी लाठीचार्ज का प्रयोग करती है। बहुत शुक्रिया मनीष इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। और अय्या से अगली खबर आपको बता दें कि रोक के बाद भी लोग बाहर निकल रहे हैं और यहां पर बेवजह निकल रहे बाहर लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने यहां पर मुर्गा बनाकर लोगों को घर भेजा। बिथुना क्षेत्र के रूरूगंज चौकी का देखिए ये मामला और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से पुलिस यहां पर दो लोगों को मुर्गा बना रही है क्योंकि ये यहां पर अनावश्यक बाहर निकल रहे थे। पुलिस ने वहां पर इनको मुर्गा बनाया और उनको समझाया कि अगर आप बाहर निकले तो आपके साथ कैसा एक्शन लिया जाएगा। राहुल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं यहां से औरैया से ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल देखिए दो लोगों को तो मुर्गा बनाकर यहां पर पुलिस ने समझा दिया, सबक उनको मिल गया, बाकी लोगों को समझाने के लिए अभी वहां पर किस तरह से प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है आपको? जी शिवंगी आपको बता दें कि जहां पर जो है पूरा देश लॉकडाउन हो चुका है और जहां पर जनता से लगातार प्रशासन द्वारा अपील की जा रही थी कि जो है कोई भी बेवजह अपने घर से बाहर ना निकले, अपने आप को घर में बंद रखे। ये युवक जो है बेवजह जो है बाजार चलकर फैल रहे थे, उन्हें जो है पुलिस द्वारा जब पूछताछ की तो उनका जो है बेवजह घूसा पाया गया, जिससे उसको जो है सचेत कर जो है मुर्गा बनाकर उनको जो है सचेत किया गया कि आगे से जो घर से बाहर ना निकले। और लगातार प्रशासन जो है माइक लेके जो है लोगों से गुजारिश कर रहा है और जो है जहां पर हल्के बल की जरूरत है बल भी प्रयोग कर रहा है। किसी भी तरीके से प्रशासन पूरी जो है सख्ती की है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर ना निकले, सभी लोग जो है घर के अंदर ही रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। बरेली से अगली खबर आपको बता दें लॉकडाउन का सख्ती से देखिए यहां पर पालन, सड़क पर घूम रहे लोगों को यहां पर मुर्गा बनाती पुलिस नजर आई है। लॉकडाउन का सख्ती से यहां पर लोगों से पालन करवाया जा रहा है और जो नहीं मान रहा है उसके साथ प्रशासन एक अलग तरीके से निपटता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। जो लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि किस वजह से वो बाहर निकले और उसके बाद अगर वो अनावश्यक बाहर घूमते पाए जाते तो उनको मुर्गा बनाया जाता है और ज्यादा अगर बात बिगड़ती है तो उन पर FIR भी दर्ज की जा रही है। नियम पालन करने की कसम भी यहां पर खिलाई गई है। संभल से खबर आपको बता दें लॉकडाउन के बाद सख्त हुई यहां पर पुलिस और घर से बाहर निकल रहे लोगों से पुलिस यहां पर उठा बैठक करवा रही है। तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस यहां पर लोगों को समझा रही है, लॉकडाउन का पालन करवा रही है और जो नहीं मानता है उससे यहां पर देखिए संभल में उठा बैठक भी लगवाई गई है कि दो शख्स आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जिनको पुलिस यहां पर बाकायदा समझाती है बताती और उसके बाद इनको सजा के तौर पर उठा बैठक भी लगवाती है। सुनील राघव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं संभल से ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील संभल में भी कैसे स्थिति है वहां पर लोग अपने घरों में कैद हैं क्योंकि हमने कुछ लोगों को देखा जो बाहर निकल रहे हैं उनके साथ पुलिस यहां पर किस तरह से पेश आ रही है उनसे उठा बैठक लगवा रही है, तस्वीरें साफ हो चुकी है। शिवांगी मैं यह बताना चाहूंगा कि अधिकतर जो समझदार तबके का जो व्यक्ति है वो घरों में कैद है और वो चाहता भी है सहयोग भी कर रहा है प्रशासन का, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मान रहे हैं और लॉकडाउन की प्रधानमंत्री की अपील को नजरअंदाज करते हुए वो घर से निकल रहे हैं या इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको पुलिस एक बार मना कर रही है लेकिन दूसरी बार दोबारा चेहरा आने पर
पहचानने पर उनके लिए उठा बैठक लगा रही है, उन्हें पनिशमेंट हल्का देकर के उनको लॉकडाउन पालन कराने की कोशिश कर रही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। बांदा जनपद में लॉकडाउन बेअसर नजर आ रहा है। यहां पर आराधना इंडियन गैस एजेंसी की लापरवाही के चलते गैस एजेंसी पर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। गैस एजेंसी की एक लापरवाही बड़ी अनहोनी को यहां पर दावत दे रही है। गैस एजेंसी मालिक ने कई महीनों से होम डिलीवरी ही नहीं की है, जिसकी वजह से जिन्हें जरूरत है गैस सिलेंडर की वो यहां पर गैस एजेंसी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं और होम डिलीवरी की जो यहां पर सुविधा है वो देखिए बिल्कुल नहीं दी जा रही इस एजेंसी की तरफ से। लोग किस तरह से लंबी लाइनें लगाकर यहां पर आपस का बीच का जो एक फासला है उसको यहां पर भूलते हुए सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर भरवाने की होड़ में वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। अब इसी को देखते हुए देखिए एक बड़ी लापरवाही इस गैस एजेंसी की तरफ से सामने आई है और राज नारायण तिवारी हमारे संवाददाता बादा से जुड़ चुके हैं। राज नारायण, इस गैस एजेंसी के ऊपर क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि लोगों को यहाँ पर होम डिलीवरी सिलेंडर ही मुहैया नहीं करवाती है। जी शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि ये प्रशासन की घोर लापरवाही भी सामने आई है, जहां कल योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जिले के जिला अधिकारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि इस में जो है बराबर डिस्टेंस रखा जाएगा लोगों के बीच में, लेकिन भीड़ बराबर एक साथ इकट्ठी हुई। गैस एजेंसी तो की तो इतनी घोर लापरवाही है, गैस एजेंसी उपभोक्ताओं से होम डिलीवरी के नाम पर पैसा भी अलग से वसूल करती है, 50 रुपए प्रति सिलेंडर, इसके बाद भी लोगों को घर में सिलेंडर नहीं उपलब्ध कराती है और लोग रोजमर्रा की बिल्कुल देखिए राजनारायण एक बड़ी लापरवाही है, लोगों की जान को यहाँ पर खतरे में डाला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। मथुरा में लॉकडाउन और कर्फ्यू ना मानने वाले लोगों को पुलिस ने यहाँ पर सबक सिखाना शुरू कर दिया है। पुलिस बिना वजह बाहर घूमने वाले जो लोग हैं उनसे यहाँ पर उठा बैठक लगवा रही है, लोगों के साथ सख्ती बरती जा रही है और जो भी भागने की कोशिश कर रहा है उसको वहां पर रोक कर बाकायदा उसको समझाने के साथ साथ उसको सजा के तौर पर देखिए पुलिस यहाँ पर बता भी रही है कि किस तरह से आपको यहाँ पर उठा बैठक लगानी है। पुशअप्स भी देखिए यहाँ पर लगवाए जा रहे हैं, तो एक अनोखे तरीके से यहाँ पर पुलिस की सजा अब सामने आई है। मथुरा की सड़कों पर जो लोग यहाँ पर घूम रहे हैं लॉकडाउन को यहाँ पर दरकिनार करके उनके साथ अब सख्ती से निपटा जा रहा है और पुलिस उनको तुरंत ऑन द स्पॉट सजा भी दे रही है। अंबेडकर नगर में लॉकडाउन के बाद कोई असर इसका नहीं दिख रहा है। घरेलू गैस लेने के लिए लोगों ने यहां पर देखिए काफी लंबी लंबी लाइनें लगा दी हैं। सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम तक नहीं है। जिले को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है, साथ ही धारा 144 लगी हुई है, लेकिन अंबेडकर नगर में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। कारण साफ है कि यहाँ पे घरेलू गैस उपभोक्ताओं को बकायदा निजी गैस संचालक एजेंसियां परेशान कर रही है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ गैस लेने वाले लोग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे आखिर क्या किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और बकायदे कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते इन्हें किस तरीके से इनकी जान को जोखिम में गैस एजेंसी संचालक डाल रहे हैं। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बुरा तो लगता है, ये होम डिलीवरी की सुविधा है, आप होम डिलीवरी करिए, यहाँ पे आके 2 घंटे से खड़े हैं, सिलेंडर नहीं मिल रही। हम भी 2 घंटे खड़े हैं, बहुत देर से खड़े हैं, धूप है, इतना तेज हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से गैस एजेंसियों की मनमानी खुल के सामने आई उससे साफ हो गया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर एक गैस एजेंसी संचालक जरा से भी गंभीर नहीं दिख रहे हैं। अंबेडकर नगर से वेद प्रकाश पाठक, भारत समाचार। मेरठ के जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान आधे दिन तक सब्जी मंडियों से सब्जी खरीदने की छूट दी। नतीजा ये कि सब्जी मंडियों में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, जिससे संक्रमण फैलने का देखिए खतरा बढ़ता है। मगर पीएम के ऐलान के बाद भी अभी तक सब्जी मंडी खुलने का समय ही तय नहीं किया जा पाया है और जैसे ही लोगों को पता चला कि लॉकडाउन है, लोग काफी संख्या में सब्जी मंडियों में भी भीड़ लगाते नजर आए। मेरठ की देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संपूर्ण लॉकडाउन है और उसके बाद भी मेरठ में लोगों की भीड़ है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। और मेरठ में देखिए किस तरह से इन गलियों में लोगों की भीड़ इस तरह से है कि यहाँ पर एक आम आदमी अगर गुजरता है तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। आपस में लोग टकराते हुए इस बाजार के बीच से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं और
वाहन भी बकायदा वहां पर चलते देखे। पंजाब की आपको तस्वीर दिखाते हैं। पंजाब में देखिए लॉकडाउन की सख्ती का असर देखने को मिला। यहां पर कर्फ्यू में घूम रहे लोगों को परिक्रमा यहां पर करवाई गई। और तस्वीर देखिए लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस यहां पर एक शख्स को रोकती है जो कि यहां पर अनावश्यक बाहर टहल रहा है, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहा है। उससे घुटने के बल पर यहां पर परिक्रमा करवाई गई, इसको घुमाया गया यहां पर और बताया गया है कि अगर आइंदा से बाहर निकले बेवजह घूमने टहलने या किसी अनावश्यक काम के लिए तो कुछ ऐसा ही आपको भुगतना होगा अंजाम। और पुलिस देखिए लगातार इसको पीछे से खदेड़ती हुई भी नजर आ रही है। यहाँ पर कितने लोग इस लाल घेरे में आपको नजर आ रहे हैं, काफी संख्या में लोग हैं। यहाँ पर कम से कम 5 से 6 लोग इस लाल घेरे में हैं जिनको पुलिस यहाँ पर सजा के तौर पर घुटने पर बैठाल कर भ्रमण करवाती नजर आई। और अभी देखिए दूसरी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए लोगों को हाथ जोड़कर सड़क पर लेटते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। जो लोग बाहर निकल रहे हैं पुलिस उनके साथ सख्ती बरत रही है। तस्वीरें ये बताती है कि अगर आपने थोड़ी सी भी चूक की तो हम आपसे कड़ाई से पालन करवाएंगे, गुलाटी करवाई यहाँ पर देखिए लोगों से एक तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा। तो वहीं बीच में जो दूसरी तस्वीर है वहां पर घुटने के बल पर यहाँ पर लोगों को दौड़ाया गया है, घोड़ा बनाकर यहाँ पर लोगों को दौड़ाया गया। और उसके बाद पुलिस यहाँ पर सख्त हिदायत भी देती हुई नजर आई है। यानी कि अब इन तस्वीरों से ये साफ हो चुका है कि लॉकडाउन को अगर आपने हल्के में लिया तो आपके साथ कुछ ऐसा ही अंजाम। कोरोना के चलते ललितपुर लॉकडाउन, लोग अपने घरों में रुक रहे हैं और जनता कर्फ्यू का पालन भी वहां पर हुआ। चौराहों पर पुलिस मुस्तैद नजर आई। निजी कामों से निकले लोगों से पुलिस यहां पर पूछताछ भी कर रही है। कोतवाली क्षेत्र में पसरा सड़कों पर सन्नाटा। बर्नी जनरल कॉलेज के चौराहे पर यहाँ एक भीड़ भाड़ा वाला इलाका होता है, लेकिन लॉकडाउन के बाद यहाँ पर किस तरह से सुनर मची है। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ जरूरत का सामान लेने के लिए घर से निकल रहे हैं। जो जरूरत का सामान लेने के लिए निकल रहे हैं आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ललितपुर में आदेश के बाद तत्काल यहाँ पर पूरा बाजार बंद करा दिया गया है। और एक कोरोना वायरस जैसी एक जो बीमारी है उसको बचाव के लिए प्रशासन ने अपील किया कि घर में ही रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि इसका बचाव जो है वह सिर्फ घर में ही सुरक्षित रहने से ही इसका बचाव हो सकता है। और प्रशासन लगातार जनता से अपील कर रहा है कि कोरोना वायरस जैसी जो बीमारी है उसको घर में ही रहकर और एक दूसरे से दूरी बनाकर रहें। चैन जो जिस तरह से चैन लोगों के इकट्ठा होने से ये बीमारी फैलती है उसको दूर करने के लिए प्रशासन ने अपील किया कि घर में रहें और सुरक्षित रहें। ललितपुर से भारत समाचार के लिए संजीव नामदेव। वही अमरोहा में आपको बता दें कि आगे लॉकडाउन के बाद कैसा हाल रहा है, वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर, वो आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से अमरोहा जनपद में सन्नाटा फैला हुआ है। सारी दुकानें बंद यहां पर कर दी गई हैं, सिर्फ मेडिकल स्टोर और राशन की दुकानें यहां पर खोली गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राशन की दुकानों पर लोग भीड़ में जुटे हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था उसका लोग अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने का उससे वो हो सकता है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण यह दिन रहेंगे, तो जो राशन का गरीब तबके के लोग हैं जो दिहाड़ी पर मजबूर हैं उनको प्रशासन की तरफ से क्या आपूर्ति कराई जाती है उसकी अभी तक निर्णायक रणनीति नहीं बनाई गई है। प्रबल प्रभाकर, भारत समाचार, अमरोहा। प्रयागराज में लॉकडाउन की तैयारियां अधूरी रह गई, 2 दिनों में पूरी होंगी वहां पर तैयारियां। प्रशासन आवश्यक सामग्री घर घर पहुंचाने की तैयारी में जुटा है। शहर के सभी वार्डों में खाद्य सामग्री की गाड़ी भी जाएगी। कोरोना वायरस को लेकर के दुनिया के 195 देशों में जहां मौत और मौत के खौफ का मंजर लोगों के दिलों में छाया हुआ है, वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद पूरे देश में जहां लॉकडाउन हुआ तो आजमगढ़ जनपद में भी तमाम जगहों पे छिटमुट फुट लोगों के निकलने के अलावा लगातार चेकिंग की जा रही है और वाहनों की चेकिंग करके वाहनों को सीज किया जा रहा है, समन शुल्क वसूला जा रहा है ताकि अराजक लोग घरों से बाहर न निकले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में समय दें। और जिसके लेकर के लगातार अपील भी की जा रही है और सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, लगातार चेकिंग की जा रही है। कैमरामैन धीरज के साथ सुधीर सिंह, भारत समाचार, आजमगढ़। मेरठ की खबर आपको बता दें जहां पर दवा की थोक मार्केट में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ लगने से यहां पर मार्केट में जाम भी लगा। लॉकडाउन का लोग यहां पर लगातार देखिए उल्लंघन कर रहे हैं। ये मेरठ की तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से यहां पर लोग काफी तादाद में बाहर घरों से निकल रहे हैं और यहां पर जो दवाओं की दुकानें हैं, जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो थोक मार्केट्स हैं वहां पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी।
भीड़ के बावजूद भी मार्केट में यहाँ पर देखिए पुलिस आपको इन तस्वीरों में कहीं नजर नहीं आ रही होगी। खेर नगर के दवा मार्केट का देखिए मामला बताया जा रहा है, जहां पर लोगों की भीड़ भी है, लेकिन हैरानी की बात है कि यहां पर पुलिस क्यों नहीं है। लोग इतनी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं, ये दवा मार्केट बताई जा रही है खेर नगर की, जहां पर लोग दवाएं लेने के लिए या फिर हो सकता है ऐसे ही घूमने टहलने के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि लोगों में के अंदर अभी भी जागरूकता नहीं है, गंभीरता नहीं है, और उसके बाद भी प्रशासन क्या कर रहा है आखिरकार, ये बड़ा सवाल बनता है। ऐसे में लोगों को खुद सोचना चाहिए कि उनको घरों में रहना है, घरों में रहकर ही वो खुद को सेफ रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। प्रयागराज में लॉकडाउन की तैयारियां अधूरी रह गई, दो दिनों में देखिए यहाँ की तैयारियां पूरी होंगी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं एक तरह से, जहां पर पूरे देश में देखिए लॉकडाउन है और लॉकडाउन की तैयारियों में अब प्रशासन जुटा हुआ है। आवश्यक सामग्री आपको बता दें कि अब प्रशासन घर घर तक लोगों तक पहुंचाएगा, क्योंकि कल ही देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, वो सामने आकर कहते हैं कि सभी जरूरी सामान लोगों को हम घर घर तक पहुंचाएंगे, और इसके लिए 10,000 गाड़ियों का देखिए इंतजाम भी किया गया है। और उसके बाद प्रयागराज में भी देखिए अब लॉकडाउन को लेकर जो तैयारियां हैं उनको और कड़ा करना शुरू किया जा चुका है प्रशासन की तरफ से। गाजियाबाद की खबर आपको बता दें, सुबह से यहां पर डायल 112 को मिली है 60 कॉल्स, 6 घंटे में 60 से ज्यादा लोग यहां पर कॉल कर चुके हैं, लोगों के घरों तक यहां पर सामान पहुंचाया जा रहा है, विजयनगर से अधिक कॉल यहां पर आई है। हमारे साथ गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नथानी मौजूद हैं। सबसे अहम चीज कि आप लोग ये करेंगे कैसे, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको कि खुद पहले भी ये व्यवस्था की गई थी कि शायद 112 के जरिए पहुंचाया जाएगा, और किस तरीके की आप लोगों की तरफ से हैंड्स जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार एवं निर्देश अनुसार जो है हम सब लोग कर्तव्य पूरे प्रायणता के साथ सब लोग इस पे तत्परता से इसकी ओर लगे हुए हैं, और मैं आपको अभी भी बता दूं कि ये काम शुरू हो चुका है यूपी 112 पर। हमारे यहाँ जनपद गाजियाबाद में आज सुबह से लगभग 60 कॉल इस तरह की आ चुकी है, और 60 केसेस में हम लोग ने मदद की है। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जब एक से ज्यादा कॉल अगर आ जाती हैं एक साथ, तो सीनियर सिटीजन्स को हम लोग वरीयता दे रहे हैं, या कोई बीमार है या कुछ इस तरह की कोई बात है, उनकी आवश्यकता अनुसार कहीं पे सिंगल लेडी है, बच्चों के साथ रहती हैं, इस तरह के केसेस में हम लोग वरीयता पर वहां पर तत्परता से जो है ये काम कर रहे हैं। RWS में एक चीज जो देखने में आती है अक्सर कि लोग कार लेकर के सामान खरीदने बाहर निकल जाते हैं, तो अक्सर हम लोगों ने किया है कि सभी RWS के आसपास, और उनसे अपील भी की है कि 2-3 जो सब्जी वगैरह के एसेंशियल कमोडिटीज के होते हैं उचित दूरी पर, जैसे 100-150 मीटर की दूरी पर या आसपास ही रहें, ताकि किसी को कार लेकर के मेन रोड पर ना आना पड़े। इसके लिए RWA वालों को भी बता दिया गया है, और उचित वहां पे जो भी उनके सैनिटाइजेशन या इससे संबंधित जितने भी पहलू हैं उसका उचित ध्यान रखें। कैमरा पर्सन सतेन के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसे में क्रिकेटर शिखर धवन अपने घर में क्या कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। मिली है ऐसी वो काम क्या करेगी, वो लक्स में नहाकर खुशबू में तर रहेगी। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक MDH। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी। अड़ी